तो ये हमारा कपड़ा है, इसकी लंबाई हम बता देते हैं। छह इंच लंबाई है इसकी, साढ़े आठ इंच चौड़ाई है। ये अस्तर है और ये कपड़ा है। तो ये पट्टियाँ काट ली हैं हमने, दो इंच की है ये, जिससे कि फ्रिल बनेगी, दो दो इंच की। ये तीन इंच की है, तीन इंच लंबाई, तीन इंच चौड़ाई है। तो यहाँ से हम इसकी गुलाई दे देंगे और इसको कट कर देंगे। इन दोनों को भी अलग कर देंगे। इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई करके सीधा कर लिया है। तो अब ये जो कपड़े के टुकड़े हैं, इनका मैंने मेजरमेंट बताया था, तीन इंच लंबाई है और तीन इंच चौड़ाई है। और एक ये हमने गोलाई में काटा है, जिसको कि इस तरह से सिलाई करेंगे। तीन इंच ये भी है और तीन इंच यहाँ से भी है, और इसको गोलाई दे दी है। इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जॉइंट करेंगे इसको।
अभी हम इसमें इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी है। तो देख सकते हैं ये तो हमने इसमें अटैच कर दी है, ये तो हमने जोड़ दी है। और अब हमारी फ्रिल की बारी आती है, अब हम फ्रिल लगाएंगे। ये मेरी दोनों फ्रिल बन गई हैं और अब मैं इसको सेट करूंगी इसमें। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे सारे में। देख सकते हैं ये हमारी फ्रिल लग गई है और अभी हम इसमें लेस लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी फ्रिल वाली बाजू कितनी प्यारी कितनी सुंदर बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम अच्छी अच्छी नई नई डिज़ाइनें लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखने के लिए, स्लीव्स की और गले की डिज़ाइन। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है इस तरह से। ये आप सूट पे भी बना सकते हैं और ब्लाउज़ पे बना सकते हैं, किसी पे भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन है ये।